आज तो यार नए क्लाउड किचन में बर्गर की टेस्टिंग थी। सबसे पहले मैंने सॉस बनाई। जो मेयोनीज हम यूज करते हैं बर्गर के अंदर, वो सबसे पहले बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि उसके बिना टेस्ट अधूरा है। और अभी हमें काफी दिन हो गए बर्गर बनाए और तन्नू भी साथ नहीं थी, में थोड़ी मुश्किल हुई बट एडजस्ट कर लिया। फिर उसके बाद आलू उबालकर हमने अच्छे से आलू को मैश किया एंड उसमें सारे मसाले बनाकर क्रिस्पी टिक्की बनाई। और जो टिक्की का कलर था ना, ओए होए क्या मजा आ गया देख के। फिर उसके बाद हमने 6-7 बर्गर बनाए क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स भी आने वाले थे। सबको एक बार टेस्ट करवाना था कि बर्गर कैसा लगेगा, क्योंकि फाइनली कल से हम ओपनिंग कर रहे हैं अपने क्लाउड किचन की। जोमेटो स्विगी तो ऑन हो ही जाएगा, बाकी छोटी मोटी चीजें रहती हैं, को भी हायर करके ट्रेन करना है, तो साथ के साथ वो सारी चीजें चलती रहेंगी। जब तक स्टाफ कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक मैं और मेरा पार्टनर हम दोनों मिलके संभाल लेंगे किचन को, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब जल्दी आप लोगों को भी खाने को मिलेगा ईट एंड बाइट का स्पेशल बर्गर और बाकी सारी चीजें। और इन सब चीजों में आज इतना ज्यादा टाइम लग गया ना, हम रात के 11 बजे किचन से निकले और बर्गर का टेस्ट भी बहुत ही कमाल निकला।